चाइना मोजिक का काम करवाने की सोच रहे हैं या चाइना मोजिक का काम करवाना चाहते हैं, तो आपने सही वीडियो को चुना है। आज के इस वीडियो में मैं उन तमाम सवालों का जवाब दूंगा जो एक आम इंसान इस चाइना मोजिक के बारे में जानना चाहते हैं। क्योंकि पिछले 22 सालों से मैं इसका काम करवा रहा हूं, इसलिए चाइना मोजिक के बारे में मुझे अनुभव है, इसलिए मैं आपको सबसे सही और सटीक जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। यह वीडियो पूरा देखने के बावजूद भी अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कॉन्ट्रैक्टर गोपाल प्रजापत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल contractorji.com। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चाइना मोजिक के बारे में और चाइना मोजिक को लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कोई उसको ब्रोकन टाइल्स फ्लोरिंग कहता है, कोई उसको क्रेजी कहता है, कोई उसको चिप्स कहता है, कोई उनको टाइल की टुकड़ी कहता है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि चाइना मोजिक का काम पर स्क्वायर फुट मजदूरी से कितना होता है और पर स्क्वायर फुट का इसका माल सामान पर कितना खर्चा आता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्या छत पर बिना वाटरप्रूफिंग किए क्या चाइना मोजिक का काम किया जा सकता है या नहीं। और अंत में मैं उन लोगों का सवालों का जवाब दूंगा जो कमेंट बॉक्स में लोगों ने कुछ अजीबोगरीब सवाल मेरे से पूछे हैं, तो उन सारे सवालों का आज मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो पहला कमेंट आया है हेमंत भाई देसाई का और ये है, पूछ रहे हैं कि चाइना मोजिक पर स्क्वायर फुट कितना खर्चा आता है। हेमंत भाई, जैसे दुनिया में किसी भी चीज का प्राइस फिक्स नहीं होता, तो यहाँ पर चाइना मोजिक का प्राइस भी कई पैमानों पर डिपेंड करता है। चाइना मोजिक का भाव बताने से पहले ठेकेदार कुछ जानना चाहते हैं कि जैसे आपकी क्वांटिटी कितनी है, उसमें फूल पत्ता बॉर्डर पट्टी या कोई डिजाइन कौन सी है। और इसके बाद ठेकेदार लोग इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब वो टाइल्स की टुकड़ी लगनी है तो उस टाइल की टुकड़ी की साइज क्या होगी, यानी उस टुकड़ी की साइज 2 इंच बाय 2 इंच रखनी है, 1.5 इंच बाय 1.5 इंच रखनी है, 1 इंच बाय 1 इंच की रखनी है या फिर 1/2 इंच बाय 1/2 इंच की रखनी है। जितनी टुकड़ी छोटी होगी पैसा उतना ही ज्यादा लगेगा और टुकड़ी की साइज जितनी बड़ी होगी पैसा उतना ही कम लगेगा। ठेकेदार लोग आपसे यह भी जानना चाहते हैं कि जो काम होना है वो कौन सी मंजिल पर होना है, जो माल सामान पड़ा है वो छत से कितनी दूरी पर पड़ा है, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, सामान चढ़ाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है कि नहीं है। ऐसे आपसे ये सारी चीजें वो जानना चाहता है और उसके बाद ही वो चाइना मोजिक का आपको भाव बताता है। लेकिन मैं आपको आज एक एवरेज प्राइस बता देता हूँ। आप अपनी छत के अनुसार या फिर आप अपनी सिचुएशन के अनुसार आप इसका प्राइस निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपका घर 2 मंजिला है और आपकी छत की लंबाई 30 फुट और चौड़ाई भी 30 फुट है और टाइल्स की टुकड़ी की साइज भी आप 1.5 इंच बाय 1.5 इंच रखने का निर्णय लेते हैं। इस प्रकार की सिचुएशन होती है तो इसका लेबर चार्ज होता है ₹25 पर स्क्वायर फुट और माल सामान के साथ इसकी लागत आती है ₹55 से ₹60 पर स्क्वायर फुट। अगर आपकी छत की लंबाई 30 फुट है और चौड़ाई भी 30 फुट है तो इसका टोटल एरिया निकालने के लिए हम 30 को 30 से गुणा करेंगे, यानी कि 30 × 30 = 900 स्क्वायर फुट, यानी आपकी छत का कुल क्षेत्रफल 900 स्क्वायर फुट हुआ और 120 रनिंग फुट इसका वाटा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि यह वाटा क्या है, तो मैं आपको वाटा भी बता देता हूं और इसका रनिंग फुट कैसे निकला जाता है यह भी आपको बता देता हूं। छत पर जो 4 दीवारी होती है, उस 4 दीवारी और फ्लोरिंग के बीच में जो कोना होता है, उस कोने पर हम एक वाटा बनाते हैं ताकि बरसात का पानी नीचे ना जा सके और उस वाटे को हम रनिंग फुट में काउंट करते हैं। यानी एक दीवार अगर 30 फुट लंबी है तो हम करेंगे 30 × 4, यानी टोटल हुआ 120 रनिंग फुट और हमारी छत का टोटल एरिया है 900 स्क्वायर फुट, यानी टोटल हुआ 900 प्लस 120 अगर करते हैं तो वहां पर टोटल योग आता है 1020 स्क्वायर फुट। अब अगर हम इसको मजदूरी से गिनते हैं तो मजदूरी का भाव है ₹25, तो हम करेंगे 1020 × 25, यानी कि ₹25,500 इसकी टोटल मजदूरी होती है। लेकिन अगर हम इसको यहीं पर माल सामान के साथ में इसका गिनते हैं तो हम करेंगे 1020 × 55,
तो इसकी कुल लागत आती है 56,000 रुपया, यानी 56,000 रुपये में मजदूरी और मटेरियल दोनों ही आ जाता है, जैसे रेती, सीमेंट, टाइल्स, केमिकल, व्हाइट सीमेंट सब शामिल है। जो 25 रुपया फुट मजदूरी और 55 रुपया साथ में मैंने माल सामान के साथ में जो आपको भाव बताया है, ये मेरे शहर का भाव है। आपके शहर में यह भाव थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है। चाइना मोजी का लेबर रेट कम से कम 15 रुपया स्क्वायर फुट है और ज्यादा से ज्यादा 80 रुपया पर स्क्वायर फुट है। यह आपके गांव, शहर या राज्य पर निर्भर करता है कि आपके यहां पर ये इसका क्या भाव है, लेकिन हमारे यहां पर इसका 25 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेबर चार्ज किया जाता है। और वहीं अगर मैं बात करूं माल सामान की, तो कई शहरों में इसका माल सामान का खर्चा 50 रुपया पर स्क्वायर फुट आता है, तो वहीं पर कई शहरों में इस चाइना मोजी का माल सामान का खर्चा 90 रुपये तक जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि चाइना मोजिक का एक स्क्वायर फुट का भाव क्या होता है। लेकिन चाइना मोजिक का काम करने वाले ठेकेदार या मिस्त्री कहां और कैसे मिलेंगे, इसके लिए गूगल में सर्च करें contractorji.com। वहां पर आपको हजारों ठेकेदार ऑनलाइन मिलेंगे। आप अपनी सिटी के हिसाब से ठेकेदार ढूंढकर आप उनसे एस्टीमेट ले सकते हैं, अथवा आप कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। यह सुविधा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेबसाइट, एप्लीकेशन का लिंक और हेल्पलाइन नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपने और अपनों का। नमस्कार, जय हिंद।